दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दादरी से मैं मुन्ना बालियान भाई, सभी बाइक बोर्ड पीड़ित भाइयों और बहनों को इस पूरे पीड़ित परिवार की तरफ से राम राम भाई। भाई एक जून से जैसे कि यू धरना चल रहा और आज 22 नवम्बर है भाई, आने वाली 3 दिसंबर बात दोस्त, इसलिए मैं समाचार रहा कि जो 2 दिसंबर की तारीख डिक्लेयर हुई थी वह 2 न करके 3 दिसंबर की दादरी तहसील में धरना ठीक रहा हमारा। 3 तारीख में तहसील में हमारा आंदोलन होगा और मतलब बात ऐसी, आज मैं शासन प्रशासन से एक चेतावनी देना चाह रहा, जो यहाँ पर SP अजय पाल शर्मा, राम कुमार वर्मा IG मेरठ और संजय कमिश्नर दिल्ली ललित होटल में जो इन्होंने हरी झंडी दिखाई थी, लॉन्चिंग की थी, आज वे अधिकारी IPS अधिकारी कहाँ है? जिन्हें देखा या आम जनता ने अपना बाइक बोट में पैसा लगाया, वे अधिकारी कहाँ है? दूसरी बात भाई, मोदी जी ने कैबिनेट बैठक में 1/2019 में अनियमित संपत्ति जमा पाबंदी योजना, चीट फंड कंपनियों के खिलाफ कानून लागू किया जो राज्य सरकार में भी लागू हो गया। 180 दिन हम यहाँ होने को जा रहे, कानून क्या सिर्फ किताबों में लिखा बनागा? जल्द से जल्द मेरी शासन प्रशासन से अपील है, ये भी हमारी साथ में चीट फंड ही हुआ है और इसके तहत जितने भी मुकदमे बाइक बोर्ड के खिलाफ लिखे गए वे सारे हैं नियमित संपत्ति जमा पाबंदी योजना के तहत लागू किए जा और 180 दिन में हमारा पैसा हमें वापस दिला जा, अन्यथा आने वाले समय में या जनता DM या SP ऑफिस में कुछ ऐसा उग्र आंदोलन कर देगी कि शासन प्रशासन को सोचने में विवश होना पड़ेगा। और हर बाइक बोर्ड पीड़ित भाइयों से मेरा और इन भाइयों की तरफ से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा, आने वाली 3 दिसंबर मतलब बात ऐसी है, 3 दिसंबर ना भूल जाइयो दोस्तों, 3 दिसंबर दिन मंगलवार दादरी तहसील में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के अपने पैसे के हक के लिए बुलंद आवाज करे। और मतलब बात ऐसी है दोस्तों, आने वाले समय में अगर जब हमें इंसाफ नहीं मिलता और शासन प्रशासन अनियमित संपत्ति जमा पाबंदी के तहत हमें कानून लागू करके हमारे इंसाफ नहीं दिलाता, हम आदमदा के लिए उतार हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।